हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2003 हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है डार्कनेस फॉल्स। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बैक स्टोरी के साथ, जहां हमें पता चलता है ऑलमोस्ट 150 साल पहले डार्कनेस फॉल्स नामक शहर में एक विधवा औरत रहती थी। उनका नाम था मैटिल्डा डिक्सन। वो बच्चों की फेवरेट हुआ करती थी, क्योंकि जब भी कोई बच्चा अपना बेबी टूथ खोता था, वो उसे मैटिल्डा के पास ले जाता था और मैटिल्डा उसके बदले उसे गोल्ड कॉइन देती थी। इस कारण से सभी उसे टूथ फेयरी बुलाते थे। मगर एक रात उसके घर में भयानक आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया, साथ में मैटिल्डा का चेहरा भी। उसका स्किन इतना लाइट सेंसिटिव हो गया कि उसने डे टाइम पर घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, सिर्फ रात में ही वो निकलती थी, वो भी एक पर्सनल मास्क पहनकर। उसके हरकतों से धीरे धीरे लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। लोग उसे पीठ पीछे डायन बुलाने लगे। और एक रात जब दो बच्चे घर नहीं लौटे, तो सभी ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। उसका मास्क हटाकर उसे आग में जलाया गया। बेचारी को बेमौत मरना पड़ा। मगर अगले दिन ही वो दो बच्चे घर लौट आए और लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उन लोगों ने मैटिल्डा की लाश को छुपा दी। रह गया तो बस उसका शाप। मरते वक्त उसे इतना दर्द मिला कि वो रोने के हालत में भी नहीं थी। उसे इतना कुछ भुगतना पड़ा बिना किसी कारण के, तो उसने इस जगह पर शाप दे दिया। जब भी कोई बच्चा अपना लास्ट बेबी टूथ खोएगा, मैटिल्डा आएगी उससे मिलने, और अगर उस बच्चे ने उसे देख लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी वो उस बच्चे को। देखते देखते कई साल बीत गए और ये कर्स एक फोकलोर बनकर रह गया। कोई इस पर यकीन नहीं करते थे, मगर फिर भी जब भी किसी का बेबी टूथ गिरता था, इस कहानी का जिक्र जरूर होता था। डार्कनेस फॉल्स का हर बच्चा इस कहानी को जानता था। एक दिन ऐसे ही काइल नाम के एक लड़के की बारी आई। उसका भी लास्ट बेबी टूथ गिरा था। उसे डर लगने लगा कहीं मैटिल्डा की आत्मा उसे मार ना डाले। उसके मां ने उसे बहुत समझाया कि वो बस कहानी है, सच्ची में कोई शाप नहीं लगता। इवन उसकी गर्लफ्रेंड कैथलीन भी आई उसे हौसला देने, कहा डरने की कोई बात नहीं, तुम बस अपनी आंखें मत खोलना। लेकिन इस सब से जैसे काइल का डर और ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही वो रात को सोने की कोशिश करता है, उसे अजीब से आवाजें सुनाई देने लगते हैं। पूरे कमरे में जैसे किसी का काला साया मंडरा रहा था। काइल एक टॉर्च लेकर चादर के नीचे छुप जाता है, लेकिन जैसे ही वो बस एक पल के लिए चादर को हटाता है, उसे अपने मुंह के बिल्कुल सामने एक नकाब वाला चेहरा दिखता है, जो अचानक उस पर हमला कर देता है। ये उसका भ्रम नहीं, सच में ही मैटिल्डा की आत्मा थी। डर से काइल की हालत खराब हो चुकी थी। वो भागता है अपने माँ के पास और हड़बड़ी में उसका टॉर्च गिरकर टूट जाता है। उसकी माँ उसके बातों पर यकीन नहीं करती। वो खुद जाती है कमरे में चेक करने और वहीं पर वो डायन उसे मार डालती है। लेकिन उसका असली शिकार काइल, वो तभी जिंदा था, तो वो चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है, मगर उसे मार नहीं पाती, क्योंकि काइल तब तक बाथरूम में पहुंच कर छुप चुका था, जहां लाइट चल रही थी। वो डायन बहुत देर तक दरवाजे के बाहर इंतजार करती रहती है और फाइनली सुबह होने पर लौट जाती है अपने दुनिया में, क्योंकि दिन के उजाले में वो कुछ नहीं कर सकती। उस रात काइल जान से तो बच जाता है, मगर उस हादसे के बाद उसकी पूरी दुनिया ही पलट चुकी थी। कोई उसके बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, उल्टा सबको लग रहा था कि उसने अपने माँ का खून किया है। बचपन से इंट्रोवर्ट होने के कारण उसका ज्यादा कोई दोस्त नहीं था, तो किसी ने उसे सपोर्ट भी नहीं किया, इवन कैट भी चुप रही। उधर उसे उस डायन के हाथ से भी मुक्ति नहीं मिली थी। हर रात वो काइल को हॉन्ट करने लगी। उससे बचने का बस एक ही तरीका काइल को पता चला, रोशनी। वो हमेशा लाइट्स ऑन करके रखने लगा। रात में ठीक से सो तक नहीं पाता था वो। फाइनली उसे एक दिन ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया शहर से बाहर, और उसी दिन इस शहर के साथ उसका सारा नाता टूट गया, कैट के साथ भी। देखते देखते 12 साल बीत जाते हैं। हम फिर से एक बार कैट से मिलते हैं। पता चलता है अभी उसके भाई माइकल की हालत भी काइल की तरह ही है। वो भी रात में सो नहीं पाता, अंधेरे से डरता है और हमेशा डरा डरा सा रहता है।
कैट ने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की, बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की, इवन उसे 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में भी रखा, मगर किसी को उसकी असली प्रॉब्लम समझ ही नहीं आई। डॉक्टर्स ने कहा वो फिजिकली कम्प्लीटली फिट है, ये नाइट टेरर्स उसकी मेंटल प्रॉब्लम है। मगर किसी को पता नहीं चला असल में वो भी कायल की ही तरह मैटिल्डा का शिकार है। उसकी हालत डे बाय डे बदतर हो रही थी, उसके पूरे शरीर पे स्क्रैचेस आने लगे थे, मगर ये भी डॉक्टर्स को सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ही लग रहा था। एक दिन कैट नोटिस करती है उसका भाई कुछ अजीब पेंटिंग बना रहा है, ये वही है जिसे वो हर रात देखता है। इन फोटोज को ध्यान से देखकर कैट को याद आया काइल ने भी पुलिस को ऐसे स्केचेस बनाकर दिया था। दोनों की सिचुएशन जब सेम है तो जरूर उससे कैट को कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। इसी होप के साथ वो काइल को ढूंढ निकालती है और कॉल करती है उसे, सारी बातें बताकर उसे हॉस्पिटल आने के लिए रिक्वेस्ट भी करती है। मगर जब काइल उसे सच्चाई बताता है तो कैट हजम नहीं कर पाती। एक्चुअली बाकी लोगों की तरह उसे भी लग रहा था कि ये कोई बीमारी है जो मेडिसिन से ठीक हो सकती है। उसके बर्ताव से काइल को बहुत ज्यादा खराब लगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद भी कैट उस पर यकीन नहीं कर रही। वो उसे कैसे समझाए कि इतने सालों की ट्रीटमेंट, मेडिसिन, टेस्ट, शॉक थेरेपी कुछ भी उसे ठीक नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक्चुअल में कभी बीमार था ही नहीं। उसने जो कुछ भी बताया सब कुछ सच था। इनफैक्ट अभी भी वो डायन उसका पीछा करती है। काइल हमेशा अपने साथ एक बैग रखता है जो टॉर्च से भरा हो, साथ में एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर और डिप्रेशन की दवाई भी वो लेता है, सिर्फ खुद को ये हौसला देने के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो अभी तक नहीं हुआ। ऊपर से उसे पता चलता है कि अभी कैट लैरी नाम के एक बंदे को डेट कर रही है जो कभी उनका कॉमन फ्रेंड हुआ करता था। यह सब कुछ जानकर वहां पर रहने का और मन नहीं हुआ काइल को। वो उसी वक्त वापस जाना चाहता था, मगर लैरी ने उसे रोक लिया, फोर्सफुली उसे एक पब में ले गया ड्रिंक करने के लिए। अंदर लाइट बहुत कम था तो अंधेरे में काइल को बहुत नर्वसनेस फील होने लगा। ऊपर से कुछ गुंडे बेवजह उससे झगड़ने लगे। काइल ने बहुत कोशिश की उनसे पीछा छुड़ाने की। वो टॉर्च लेकर बाहर तक निकल गया, मगर फिर भी एक आदमी ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे लेकर जंगल में पहुंच गया। काइल को लड़ने का कोई शौक नहीं था, उसे तो बस रोशनी में वापस जाना था, क्योंकि उसे ऑलरेडी अपने आसपास उस चुड़ैल की प्रेजेंस फील होने लगी थी। तो वो किसी तरह उस आदमी को घायल करके वहां से निकल जाता है, और इधर मैटिल्डा की आत्मा इस आदमी पर हमला कर देती है क्योंकि इस आदमी ने भी उसे देख लिया था। काइल जाता है हॉस्पिटल में माइकल को देखने। वो कैट से बस एक ही बात कहता है कि इस छोटे से बच्चे के साथ ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है जिसका अंदाजा उसे नहीं है, और इसका क्योर मेडिकल साइंस उसे नहीं दे सकता। तो टेस्ट के नाम पे उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का क्या मतलब, फालतू में इसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। उधर पब में सभी इस आदमी को ढूंढ रहे थे। जब वो बहुत देर तक नहीं लौटा तो उसके दोस्त पुलिस को खबर देते हैं, और पुलिस जब जंगल में सर्च करती है उन्हें इस आदमी की लहूलुहान लाश मिलती है। इस बार भी सबका शक काइल पर ही जा रहा था, क्योंकि सबने देखा था उन दोनों को लड़ते हुए। पुलिस उसी वक्त काइल को अरेस्ट कर लेती है और सबूत के तौर पर उसके पिछले 10 साल के मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करती है। नाइट टेरर्स, मेजर डिसोसिएटिव सिंड्रोम, सोशियोपैथिक सिंड्रोम और 3 सुसाइड अटेम्प्ट्स। काइल के रिकॉर्ड्स क्लियरली उसके साइकोटिक नेचर की तरफ इशारा कर रहा था। ऊपर से उसके बैग में इतने सारे टॉर्चेस और साइकोटिक मेडिसिन का मिलना, मगर कोई ये समझ नहीं रहा था कि यह सिंड्रोम असल में आफ्टर इफेक्ट्स है जिसकी जड़ कहीं और है। ऑन द अदर हैंड माइकल के साथ भी धीरे धीरे वही सब कुछ होने लगा था जो इतने सालों से काइल के साथ हो रहा है। वो डायन उसे हार्म करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। एक दिन माइकल बाथरूम के अंदर जाके बेहोश हो जाता है, और इस बार उसकी चोट बहुत गहरी थी जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं हो सकती। लेकिन डॉक्टर फिर भी हार नहीं मान रहे थे। वो कैट को एक फाइनल टेस्ट करने के लिए कहते हैं, जहां माइकल को एक MRI मशीन के अंदर रखा जाएगा कुछ मिनट के लिए। इससे वो अंधेरे से यूज्ड टू होने लगेगा, एंड ग्रेजुअली उसके दिल और दिमाग से अंधेरे के प्रति यह जो डर है वो खत्म हो जाएगा। कैट को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। फाइनली वो हाँ कर देती है और डॉक्टर्स माइकल को रेडी करने लगते हैं। उधर तब तक काइल को बेल मिल चुका था। वो लैरी से कहता है उसे हॉस्पिटल तक ड्रॉप करने के लिए।
मगर उससे पहले वो एक दुकान जाता है और बहुत सारे फ्लैशलाइट्स और एक गन खरीद लेता है। वो लोग निकल तो पड़ते हैं, लेकिन लैरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे काइल का वापस आना, कैट से मिलना जुलना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था काइल उसे उसके गर्लफ्रेंड को छीन लेगा, तो वो हॉस्पिटल की जगह उसे उनके पुराने शहर डार्कनेस फॉल्स में ले जाने लगता है, वो भी अंधेरे जंगल के अंदर से। काइल बहुत बार लैरी को वार्न करता है, अंधेरे में ना वो सिक्योर था ना उसके साथ रहने वाला कोई भी, मगर लैरी गाड़ी नहीं घुमाता। एज द रिजल्ट वो डैन उन पर हमला कर देती है। इस बार भी काइल उसे मना करता है उसके तरफ देखने से, मगर लैरी नहीं मानता। वो देख लेता है और डैन उसे मार डालती है। काइल के हाथ में कुछ भी नहीं था। वो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए हॉस्पिटल जा पहुंचता है और माइकल का एक्सपेरिमेंट रोक देता है, मगर इस बार भी पुलिस उसे ही अरेस्ट कर ले जाती है। दो दिन के अंदर उस पर दो खून का आरोप लगा था। इस बार कोई वकील उसे बचा नहीं पाएगा। काइल कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा था सबको हकीकत समझाने की, मगर सभी उल्टा उसे ही पागल समझ रहे थे। रात में अचानक एक तूफान के कारण पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ जाती है। एमरजेंसी बैकअप्स तो ऑन थे, मगर वो काफी नहीं थे। आधे अंधेरे पुलिस स्टेशन में वो चुड़ैल हमला कर देती है। जो भी उसके तरफ देखता है वो उसे मारने लगती है। फाइनली सबको यकीन हो जाता है काइल सही कह रहा था, मगर तब तक बहुत लेट हो चुका था। एक एक करके सभी को मरना पड़ता है। सिर्फ एक ऑफिसर मैड, जो बचपन में काइल का क्लासमेट हुआ करता था, वो अहम वक्त पर सेल की चाबी देकर काइल को बाहर निकलने में मदद करता है, और बदले में काइल टॉर्च की रोशनी से उसे बचा लेता है। उसे पता था ये चुड़ैल इस जगह के बाद माइकल को ढूंढने जरूर जाएगा, क्योंकि वो दोनों ही फिलहाल उसकी प्राइम टारगेट्स हैं। माइकल की जान खतरे में है, तो काइल भागता है हॉस्पिटल की तरफ। उधर हॉस्पिटल में ऑलरेडी मौत का तांडव शुरू हो चुका था। उस डैन ने हमला कर दिया था माइकल के ऊपर, और उसे बचाने के चक्कर में कैच ने भी उसे देख लिया था। अभी तो उसकी जान भी खतरे में थी। जब वो और उसका भाई बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुके थे, निकलने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था उन्हें, ठीक तभी काइल आकर उन्हें बचा लेता है। वो लोग एक लिफ्ट में जाकर छुपते हैं, क्योंकि वहां लाइट जल रही थी। मगर ज्यादा देर नहीं वो डैन लिफ्ट को खराब कर देती है, साथ में इमरजेंसी सिस्टम को भी। पूरी की पूरी बिल्डिंग बहुत जल्द अंधेरे में डूबने वाली थी। काइल किसी तरह दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाल लाता है, मगर हड़बड़ी में उसके सारे फ्लैशलाइट्स खो जाते हैं। और इस प्रोसेस में जो डॉक्टर्स और नर्सेस उनकी मदद करते हैं, वो भी मटिल्डा का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसका चेहरा देख लिया था। उन सब के पास ज्यादा वक्त नहीं था, उन्हें कुछ भी करके अंधेरा होने से पहले इस हॉस्पिटल से निकलना था। तो वो लोग भागते हैं नीचे की तरफ। आगे का रास्ता काफी हद तक डार्क था, उन्हें बहुत केयरफुली चलना था। वो लोग चलते भी है, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद सभी को बचाना इम्पॉसिबल रहा। ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते दो नर्सेस की मौत हो जाती है। जिंदा रह जाते हैं काइल, कैट, माइकल और एक डॉक्टर। उन्हें भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे कोई लाइट नहीं थी। फॉर्चुनेटली उसी वक्त मैट आकर उन्हें बचा लेता है। असल में ये काइल का ही एक प्लान था, उसने मैट को भेजा था गैस कैंस लाने। अभी उनके लिए सेफेस्ट प्लेस है लाइट हाउस, उससे तेज रोशनी और कहीं भी नहीं। अगर वो लोग किसी तरह उसके इमरजेंसी सिस्टम को ऑन कर पाए तो वो लोग बच जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ वो लोग उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं, मगर रास्ता काफी लंबा था और अंधेरा भी। जाते वक्त फिर से वो डैन उनके गाड़ी पर हमला करती है और उस डॉक्टर को उठा ले जाती है। बाकी लोग बच जाते हैं मैट के लाए हुए लैंप्स की मदद से। वो लोग जैसे तैसे जा पहुंचते हैं लाइट हाउस के अंदर, मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर टैंक फुल रहने के बावजूद लाइट ऑन नहीं हो रही थी। जरूर कहीं पर कनेक्शन टूट रहा था। कैट और माइकल के पास एक क्लैंप छोड़कर काइल और मैट जाते हैं मशीन को चेक करने। उन्हें प्रॉब्लम मिल भी जाती है, मगर उसे ठीक करते वक्त उस डैन का तांडव फिर से शुरू हो जाता है। लैंप की रोशनी उन दोनों के लिए काफी नहीं थी, लेकिन काइल को यह काम पूरा करना था, तो उसे ज्यादा लाइट देने के चक्कर में मैट बेचारा उस डैन का शिकार बन जाता है। ऊपर कैट और माइकल के पास जो लैंप थी वो भी अचानक बुझ जाती है। वो डैन बहुत देर से इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। अंधेरा होते ही वो कैट पर हमला कर देती है, मगर काइल अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसे बचा लेता है। उसके पास जो लैम्प थी उसे फेंक देता है उस डैन की तरफ।
डाइन का चेहरा जलने लगता है और वो कैट को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। लाइट हाउस के अंदर भी आग लग चुकी थी। उस आग के रोशनी में फिलहाल कैट और काइल सेफ थे, मगर माइकल अभी भी उसी जगह पर फंसा था अंधेरे में। तो काइल जनरेटर को फिर से एक बार ऑन करने की कोशिश करता है, मगर रास्ता ब्लॉक्ड रहने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इतने छोटे से पैसे से सिर्फ माइकल ही गुजर सकता है। उन्हें जल्दी करना होगा, आग और ज्यादा देर तक नहीं जलेगी। और अंधेरे में मिथिला की स्पिरिट उनका क्या हाल करेगी वो लोग सोच भी नहीं सकते। बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। माइकल सही समय लाइट ऑन कर देता है और वो लोग बच जाते हैं। मैटिल्डा की आत्मा गायब हो चुकी थी। तो काइल बाहर जाता है चेक करने, लेकिन ठीक तभी फिर से एक बार उस पर वो चुड़ैल झपट पड़ती है। वो सिर्फ गायब हुई थी, मरी नहीं थी। इतने सारे ठोकर खाने के बाद अभी उसका रिवेंज और ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था और उसकी स्पिरिट वेंजफुल बन चुकी थी। वो काइल को उठा ले जाने की कोशिश करती है तो काइल उसका मास्क हटा देता है और उसके हाथापाई के कारण ट्रांसमीटर में आग लग चुकी थी। उसी रोशनी में मैटिल्डा का स्किन जल रहा था, उसे दर्द हो रहा था, फिर भी वो अपने ग्रीप लूज नहीं करती, नहीं छोड़ती वो काइल को। फाइनली काइल अपने बचाव में अपने हाथ में आग लगा के उस आग से मैटिल्डा को जला देता है। इस बार वो और खुद को संभाल नहीं पाती, काइल को छोड़कर दर्द में चिल्लाने लगती है और देखते ही देखते उसका शरीर जलकर राख हो जाता है। मुक्ति मिल जाती है उसकी आत्मा को। The end। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक एवरेज फिल्म है, एंटरटेनिंग है, थ्रिलिंग है और साथ में बैक स्टोरी भी प्रेजेंट है जो मेन स्टोरी को और ज्यादा बिलीवेबल बनाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।